नमस्कार दोस्तों, बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा गैप था, काम में बिजी था। मुझे जो वीडियो एक्चुअली बनाना है वो है न्यूट्रिशन प्लानेट का एक वीडियो, उनका डेविस कोवे का और ट्रिकुट करके एक प्रोडक्ट आता है गोकी के साइड में, मोस्टली बहुत डिस्काउंटेड है। ये दोनों के बारे में लोग बहुत ज़्यादा पूछे हैं, क्योंकि एक तो न्यूट्रिशन प्लानेट का वो बहुत पुराना प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, और त्रिकुट बहुत कम में मिल रहा है। इसलिए तो मैंने दोनों को ही यूरिक एनालिटिक्स में भेजा है, क्योंकि मैं इनिशियली फ्यूजीन में भेजा था, पर यू नो दे आर ऑल्सो टेकिंग टू मच टाइम। पर यूरिक एनालिटिक्स इज गुड, दे आर वेरी गुड हाई स्टैंडर्ड लैब। पर अभी क्या है, जैसे बैंगलोर में एक के बाद एक हॉलीडे चल रहा है, तो मेरे पास अभी रिपोर्ट नहीं आया। बट मैं अचानक ये वीडियो क्यों कर रहा हूँ बता रहा हूँ, देखो ये बिकॉज ऑफ ऑल दिस इंस्टाग्राम रिक्वायरमेंट। सो अपेरेंटली आप लोगों को बहुत, आप में से बहुत लोगों को एक ऐड दिखा होगा एक प्री वर्कआउट का, और उसके बाद मैंने बिकॉज ऑफ ऑल दिस क्वेरीज मैंने एक पोस्ट किया कल या परसों कभी पोस्ट किया था, क्योंकि मुझे ना डिक्लेयर करना है क्या हो रहा है, एम आई अवेयर ऑफ दिस ब्रांड एंड हाउ इट इज। तो मैं आपको बताता हूँ, जो ऐड आपको मिला होगा वो है एक प्री वर्कआउट का जिसका नाम है कॉम, द ब्रांड नेम इज द एनर्जी क्लब। ठीक है, द ब्रांड नेम इज द एनर्जी क्लब। तो मैं, जब आप इनिशियली पूछ रहे हो मैं इसके बारे में ज़्यादा आपको रिव्यू वगैरह अच्छा बुरा क्यों नहीं बोल रहा हूँ, इसका रीज़न ये है, आप आराम से सुनो, आपको मालूम पड़ेगा। देखो द अनबॉक्स स्टोर आपको मालूम है, जहाँ पे हम थोड़ा कोई भी रिव्यू यूनिट हो रहा है तो वो बेच रहे हैं उसके, वहाँ पे मेरा एक दोस्त है, आपको उसका नाम मालूम होगा, कमल। वो ही वॉज लुकिंग इन टू इन्वेस्टिंग समथिंग इन टू दिस होल सप्लीमेंट थिंग, और मेरे पास जस्ट लाइक आई एम इन दिस इंडस्ट्री फॉर सम टाइम, मैं रिव्यू वगैरह करता हूँ, तो मेरे पास कुछ कुछ चीज़ें आइडियाज़ थे जो मैं बहुत कंपनीज को भी बता रहा हूँ, उसमें से एक था ऑब्वियसली प्री वर्कआउट। तो मैंने उसको बोला और उसका जो बजट है तो, और उसका जो मुझसे सुना और वगैरह, तो ये सेड ओके लेट्स इन्वेस्ट समथिंग इन इट। तो बेसिकली ये जो प्री वर्कआउट के बारे में आपको एडवर्टाइजमेंट से ये कहीं से भी पता चल रहा है, ये मेरे दोस्त का है, एंड दैट इज़ द वेरी रीज़न मैं इसका रिव्यू नहीं कर सकता। मैं आपको ये भी नहीं बोल सकता बैंगलोर में बहुत गर्मी है इसलिए मैं पसीना हो रहा हूँ, ये अच्छा है बुरा है, मैं ये नहीं बोल सकता बहुत कम में मिल रहा है वगैरह वगैरह, आई कैनॉट से अ सिंगल थिंग। ठीक है, क्योंकि देखो मेरा इनपुट है उसमें, मेरा दोस्त है, तो आपको लग ही सकता है और हो ही सकता है मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है। सो मेरे ख्याल से मैं आज तक जो इंटीग्रिटी मेंटेन किया हूँ उस हिसाब से आई कैनॉट डू अ रिव्यू ऑन इट, नीदर कैन आई टेल यू कि भैया बहुत बढ़िया चीज़ है इतना कम में मिल रहा है, ऐसा नहीं कह सकता। मैं जो कर सकता हूँ टू एंड ऑल दिस कन्फ्यूजन इज ऑल्सो, एटलीस्ट दोस्त ने किया है तो मैं बता सकता हूँ कि आपका ये वेबसाइट का लिंक है नीचे, कोई रेफरल वेवरल नहीं है भाई, अब समझ रहे हो, मतलब मेरे दोस्त का है, आप जाके इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक। नाउ टू आंसर समथिंग, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग दिस, आई शुड बी वेरी क्लियर ऑन दिस। देखो मैं ना इनिशियली भी, जो लोग मेरा वीडियो फॉलो करते हो, मुझे जो लगता है फील करता हूँ मैं वो बताता हूँ। तो दिस क्वेश्चन पीपल हैव आस्क्ड, तो एक चीज बता देता हूँ पहले, क्योंकि वो भी लोग पूछेगा। देखो ये क्या करते हैं, देखो ये ऐसा एक पाउच में भेजेंगे आपको, जहाँ पे यहाँ न्यूट्रिशन लेवल वगैरह है, एंड दिस इज लाइक द बेस थिंग व्हाट, बिकॉज दैट्स व्हाट आई सेड, लाइक मैंने उसको कुछ आइडिया दिया था, उसके ऊपर उसने किया है, मेरा आइडिया लेके उसने किया। तो ही इज गिविंग दिस बूस्टर पैक्स सेम प्राइस में, जैसे सिट्रिलिन मैले का एक बूस्टर दे दिया, फिर बेटा एलानिन का बूस्टर है, फिर कैफीन का बूस्टर है, जनरली ये तीन बूस्टर लेकर वो चालू किया। मतलब इसका मतलब ये है कि मान लो आपका जो बेस पैक है न्यूट्रिशन लेवल में जो लिखा है बेस पैक, उसमें आपको रिक्वायर्ड किक नहीं मिल रहा है, तो आप यू कैन एनहेंस इट, दैट्स प्रीटी मच द आइडिया आई बिलीव। और प्राइस को लेके लोग पूछे थे इतना कम, ऑब्वियसली ही इज ट्राइंग टू कम टू द मार्केट, तो डिस्काउंट दे रहा है, ऐसा नहीं कि वो प्राइस रहेगा हमेशा, लेट्स लॉन्च ऑफ अ काइंड ऑफ थिंग, दैट्स प्रीटी मच इट। नाउ द अदर क्वेरी दैट लॉट ऑफ यू हैव आस्क्ड, इज इट बेटर देन द वंस दैट यू हैव रिव्यूड बिफोर। तो मैं क्या रिव्यू किया हूँ पहले उनमें बात करता हूँ, सीधा सीधा बात भाई, किसी साथ मुझे ये दो नंबरी चीज़ें बोलने का है नहीं। गेयर एसेंशियल का प्रियर, न्यूट्रीजा का है, फिर आपका आ गया मसल नेक्टर का लिक्विड प्री वर्कआउट इज एब्सोल्युटली फैबुलस, देन प्रोसेल का जो प्री वर्कआउट है, एंड देन नेचुरल जीन इज ऑल्सो लॉन्चिंग प्री वर्कआउट राइट नाउ, इज दिस बेटर देन दैट। देखो ये ना प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है, कोई चीज़ को बेटर होने के लिए मार्केट में रहना पड़ता है। ये लोग बहुत दिनों से अच्छा प्रोडक्ट बनाते आ रहे हैं, एंड आई कैन एनी डे से उनका प्रोडक्ट अच्छा ही है,
कोई आपका जैसे इन्फॉर्म स्पोर्ट्स इन्फॉर्म चॉइस का सर्टिफिकेट करवाते हैं, कोई बाहर से इंपोर्टेड इंग्रेडिएंट्स एकदम थॉरली मंगवाते हैं, कोई एक डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पे उनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इतना सर्टिफिकेट है वो अलग है। तो अगर आप मुझे पूछोगे कि ये उनसे बेहतर है और मैं बोलूँ हाँ तो मैं झूठ बोल रहा हूँ और मैं करूँगा नहीं, तो ऑब्वियसली जी नहीं, ऐसा आप कंपेयर नहीं कर सकते। मैं जैसे बोला, मैं बोल सकता हूँ ये अच्छा है क्या बुरा है, मैं नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त का है एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दैट। क्योंकि लोग अभी बोलेंगे भाई अपने दोस्त का है तो अच्छा बोल दिया। मैं वैसा इंसान हूँ नहीं, मेरा दोस्त करे मैं खुद करूँ फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई भी चीज़ ऐसे आप कंपेयर करते हो तो सच होना चाहिए, जानना चाहिए कि हाँ जो एग्जिस्टिंग है जिनके बारे में बताया हूँ दे स्टिल आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट प्री वर्कआउट्स एंड फॉर द प्राइस यू पे, उनका जो प्राइस आप देते हो यू गेट द राइट थिंग। ठीक है, तो उनके साथ आप कोई नया मार्केट में ऐसा लॉन्च किया इसको कंपेयर मत करो। व्हाट यू कैन डू, यू कैन ट्राई आउट इफ यू वांट, कोई भी ये ब्रांड क्या कोई भी ब्रांड ट्राई आउट कर सकते हो। तो आई थिंक इट आंसर्स योर क्वेश्चन के इज इट बेटर देन देम। नो नो, दे आर इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो कर सकता है कोई भी, मेरा दोस्त हो या फिर आपके जैसा कोई भी अगर कंपनी में ऐसा नया मार्केट में आता हो तो इनसे आप सीख सकते हो। ये जो लोग हैं ना, मसलेक्टर हो गया, प्रोसेल हो गया, गेयर हो गया, न्यूट्रीजा हो गया, जो भी है न्यूट्रिशन प्लानट हो गया, नेक्प्रो हो गया, सारे ब्रांड्स इनसे सीख सकते हैं बिकॉज दे आर देयर इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव किए हैं ओवर द टाइम, ये अपने प्रोडक्ट में इन्हेंसमेंट्स लाए हैं, इनको मालूम है कस्टमर को क्या चाहिए। जैसे मैंने कहा इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आर प्रोबेबली डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। तो कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए ऐसे छोटे कंपनीज को जो भी ये लॉन्च कर रहे हैं ऐसे, इनको उनके साथ सीखना चाहिए उनसे, और दे ऑल दे कैन डू इज ट्राई टू मेक इट बेटर, दैट्स ऑल आई कैन से। तो ऐसा कंपेयर मत कीजिए, दे आर वेरी वेरी गुड अमेजिंग प्रोडक्ट्स, ओके, दे ऑलवेज विल बी। तो दैट्स वेरी मच इट, आई गेस कन्फ्यूजन इज ओवर एंड प्लीज डोंट आस्क, प्लीज कमेंट में भी मत बताओ आपके कैसा है, अच्छा है बुरा है, आपको आप यूज करते हो क्या, आपको आप किसी को रिकमेंड करोगे क्या, वगैरह वगैरह जी नहीं कर सकता मैं, कुछ नहीं बोलूंगा। आप कुछ लोग खरीदे हैं आप उनसे पूछ सकते हो अगर उनके पास गया है वो यूज़ किए हैं, अगर नहीं खरीदे हैं आप थोड़ा वेट कर सकते हो उनके उनसे, या फिर अगर आपको लगता है इंग्रेडिएंट्स वगैरह ठीक है तो आप जाकर, इट्स ऑल ऑन यू, लिंक दिया हूँ आप बस चेक कर सकते हो एंड दैट्स ऑल आई कैन से। आई कैन नॉट टेक एनी साइड हियर बिकॉज मेरे दोस्त का है, माफ़ कीजिए मुझे, आई कैन नॉट गेट इन टू दिस, ओके। तो दैट्स प्रीटी मच इट, आई गेस इट रिजॉल्व्स द कन्फ्यूजन आफ्टर लॉन्ग टाइम। आपसे मिलकर अच्छा लगा मुझे, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और नया वीडियो लेकर बहुत जल्दी आते हैं, चलिए मिलते हैं।